एकदम नेट बंद होता है, फिर आप क्या सोचते हो क्या होना चाहिए, ये नेट क्यों एकदम बंद हो जाता है? मेरा दिल करता है मोबाइल ही तोड़ दूं। चल रहा है 4G सही करवा लेना, वो भी बेहतर है, 6G के बाद छोड़ दे। अच्छा 4G के सिग्नल नहीं आते, आपका नेट बंद हो गया वो? तो बहुत गुस्सा होता है, फ्री फायर में बंदा हार जाता है। हाँ तो जाहिर सी बात है, इंडिया में IT का काम ज़्यादा है, उधर ये पाकिस्तान की नस्बत ये चीज़ ज़्यादा है। अच्छा मुझे नहीं, अभी वो भी उनको फ्री देना, उन्होंने कौन से पैसे लेने हैं, हमारा इधर 5G आएगा उसके पैसे और ज़्यादा हो जाएंगे। एक्सपेंसिव। वालेकुम सलाम खान साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आए हैं आप? हम मंसूरा बाज़ार से। अच्छा क्या नाम है आपका? असदुल्लाह खान। अच्छा खान साहब आप नेट वगैरह चलाते हैं? जी जी। अच्छा कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं? ये जैस का। जैस का वो कौन सा? 4G 3G? 4G है। 4G। अच्छा कितने का पैकेज लग जाता है आपको? तकरीबन 400 का लग जाएगा हफ्ते का। तो एक्सपेंसिव ज़्यादा पड़ जाता है आपको? बहुत ज़्यादा, 2500 GB आता है, वो भी कभी चलता है कभी नहीं चलता। अच्छा आज मेरा टॉपिक है कि जो इंडिया जो 5G के बाद 6G लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है, और मुझे बताइए 6G लॉन्च वहाँ पे वो लॉन्च होता है, यहाँ पे क्यों नहीं लॉन्च हो रहा, यहाँ पे क्यों नहीं हमारी कुमरान का? यहाँ पे तो 4G भी नहीं सही चल रहा है, 4G सही करवा लेना, वो भी बेहतर है, 6G के बाद तो छोड़ दें। अच्छा यहाँ पे 4G के सिग्नल नहीं आते? नहीं आते, कभी आते हैं कमरे में जाके तो नहीं आते। हमारा उधर घर है मंसूरे बाज़ार में, उधर जोंग इस्तेमाल करता है, वो भी कभी आता है कभी नहीं आता, दो नेट चला रहा है। अच्छा हफ्ते में 500 रुपये कमाता है, वो कि नेट नहीं चला जाता है। अच्छा ये मुझे बताओ, अच्छा उधर एक और मैंने न्यूज़ सुनी है, उधर जो है ना वो अपनी आवाम को जो है ना नेट जो है ना फ्री, उनकी एक पॉलिसी है वो अपनी आवाम को नेट फ्री दे रही है, टोटल नेट फ्री दे रही है। जहाँ बाहर ममालिक में देखा होगा कि वहाँ पर जाएंगे नेट सारा फ्री है। अब वो उन्होंने आगे जो सर्विस उनकी आ रही है एक, उनकी वो भी लॉन्च कर रहे हैं, वो जो नेट फ्री कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में ये होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं भी कर सकते हैं ना तो नेट जो है ना वो उसमें डिस्काउंट कर लें, कम करवा दें, 400 है 200 लिया करो। हाँ बहुत ज़्यादा आप ले रहे हैं, 400 रुपये ले रहे हैं पैकेज का, वो भी कभी चलता है या कभी नहीं चलता है, वीडियो डाउनलोड करना है तो 1 घंटा उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक। अच्छा मुझे बताइए क्या हो रहा है कि इंडिया आगे ऊपर जाए जा रहा है, पाकिस्तान डाउन होता जा रहा है, क्या समझ नहीं आ रही किस वजह से ये जो है ऊपर जा रहा है इंडिया, और ये आने वाले वक्तों में आगे जिनकी आपको पता है लास्ट टाइम एक इनकी करेंसी भी जो है वो 5वें नंबर पर आई, USA के इंडम ने जो 5वें नंबर पर इनकी करेंसी भी आ गई है। अब मैंने ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसी वजूहत हैं कि जो हम डाउन जा रहे हैं और जो है इंडिया ऊपर जाई जा रहा है, आप ये बता सकते हैं? ये तो हमारा हुक्मरान जो है ना वो एक और जगह में जलसा करता है, एक इधर जलसा करता है, उसका एक हुक्मरान है वो आ गया तो लगा हो गया, हमारा एक हुक्मरान बैठ जाता है उसके पीछे सारा लग जाता है। अच्छा। कि इसको हटा दो उसको हटा दो, सारा ज़िंदगी इसी में गुजर गया, ना 4G सही कर दिया ना 3G सही कर दिया। अच्छा मुझे बताओ उनका क्या जो 3G 4G उनका आया, उनका IT का क्या स्कोप है उनका वहाँ पे, IT का जितने भी ऑनलाइन का काम क्या स्कोप है वहाँ पे? अच्छा स्कोप है, अच्छा जा रहा है, इधर तो कोई है नहीं कि सही चले जाए। अच्छा फ्री लॉन्चिंग उनके ज़्यादा चल रही है? उसके ज़्यादा चल रहे हैं क्योंकि उसके साथ काम है, बिजनेस है, सब कुछ चल रहा है। और इनका जो है क्या नाम है ऑनलाइन ज़्यादा उनका वो है, आपको पता ही होगा ऑनलाइन ज़्यादा काम वही कर रहे हैं इंडिया भी कर रहा है। हाँ इधर तो इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ पिज़्ज़ा वगैरह डिलीवरी करते हैं ज़्यादा। अच्छा कोई हमारी आवाम को मैसेज देना चाहें? आवाम को मैसेज दें कि खिलाफी ना किया करो अपना आपस में, कोई पठानों के पीछे लगा होता है, कोई पंजाबी सराकी के पीछे लगा होता है, अपना पस में मसला सही करो ना, वो भी ज़्यादा है। अच्छा वो नेट के बारे में कोई हमारी हुक्मरान को कहने नेट के बारे में? उसको ये कहता है कि 4G से एक और पैकेज 200 का कर दे 25 GB। अच्छा ठीक है, ठीक जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो आप? मैं ठीक, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। अच्छा बेटा पढ़ते हो आप? हाँ जी मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 4। अच्छा आप मुझे बताओ कि आप गेमिंग नेट में क्या यूज़ करते हो, गेम यूज़ करते हो कि नेट वगैरह यूज़ ही करते हो बस? मैं फ्री फायर गेम खेलता हूँ। फ्री फायर गेम? हाँ जी। अच्छा अच्छा आपको 4G का पैकेज में चलाते हो कि 3G पैकेज में चलाते हो? 4G। 4G। अच्छा 4G सही चलता है आपका? 4G कभी कभी सही चलता है, एकदम से जब गेम खेल रहा हूँ तो नेट बंद हो जाता है, काम खराब हो जाता है। काम खराब हो जाता है। अच्छा तो पैकेज खुद लगाते हो कि घर वाले लगवा के देते? मैं खुद लगाता हूँ। अच्छा खुद लगवाते हो? अच्छा पॉकेट मनी से? हाँ जी। अच्छा अच्छा मुझे बताओ आप वो जो इंडिया में 6G लॉन्च हो रहा है उसके बारे में आप बताएंगे कुछ? इधर तो 4G ही सही नहीं चलता, 6G खाक से ही चलेगा। अच्छा उधर 6G का अब तो वहाँ पर 6G लॉन्च, 5G लॉन्च हुआ, अब 6G लॉन्च कर रही है वहाँ पे उनकी हुकूमत जो है ना गवर्नमेंट 6G लॉन्च कर रही है। अब मैंने ये आपसे पूछना है जो 6G लॉन्च कर रही है उसमें क्या क्या फ़ायदे होंगे इंडिया को?
उसको इंडिया के फायदे होंगे, इनका नेट नहीं जाएगा ज़्यादा जब कोई चीज़ खेलेंगे ना जी, वहाँ पे देख के बताओ। जब उनका नेट खेलेंगे ना कोई भी चीज़, मतलब उनका नेट नहीं जाएगा। लाहौर में जो 4G का पैकेज है ना, जब भी कोई चीज़ खेलोगे एकदम से पता ही नहीं चलेगा कि किस टाइम पर गया किस टाइम पर आया, ये रूटीन नहीं है। अच्छा यहाँ पे अगर यहाँ पे 6G लॉन्च होगा के नहीं होगा यहाँ पे भी? ये अगर उनको चाहिए कि कर ले लॉन्च हो जाए, अल्लाह करे। तो अभी कह रहे हो 4G जो वहाँ पे सही चल नहीं रहा, तो हाँ नहीं यही तो कह रहा हूँ ना। 6G जो उनका वहाँ पे लॉन्च हो रहा है उसमें क्या क्या आपको उनको फायदे नजर आ रहे हैं? वो उधर के जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे, वो इंग्लिश ज्यादा सीखते, उधर ऑनलाइन चीजें ज्यादा चलती है, तो इसलिए ना उनकी ज्यादा 6G ज्यादा चलते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ना उधर बहुत ज्यादा ऑनलाइन चीजें खेलते, उधर बच्चे ज्यादातर इंग्लिश पढ़ते हैं इसलिए। अच्छा मुझे बताओ, आप जो फ्री फायर खेलते हो जब एकदम नेट बंद होता है, फिर आप क्या सोचते हो क्या होना चाहिए, ये नेट क्यों एकदम बंद हो जाता है? मेरा दिल करता है मोबाइल ही तोड़ दूं। चलो ठीक है, मोबाइल तोड़ो। अच्छा मोबाइल तोड़ोगे तो फिर किस तरह खेलोगे आप? फिर कोई बंदोबस्त कर लेंगे किसी। अच्छा आपका 4G नहीं ठीक आ रहा? नहीं। अच्छा आपको लगता है पाकिस्तान में 6G चलेगा? ये पता नहीं, इसका नहीं पता। चलो 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 ठीक है। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक। अच्छा मुझे बताओ क्या करते हैं आप? स्टडी करते हैं। अच्छा आपसे एक सवाल पूछना है। पूछे। अच्छा मुझे बताएं कि जो आप नेटवर्क कौन सा यूज करते हैं, 4G 3G? 4G करते हैं, जैस 4G। 4G ठीक सिग्नल आते हैं नॉर्मली, कभी कभी आपको पता चले भी जाते हैं, कभी कभी सही भी आते हैं। अच्छा कितने का नेटवर्क उनका नेटवर्क लग जाता है पैकेज वगैरह? 1000-1500 लग जाता है महीने। 1500। अच्छा आपको पता है जिस तरह इंडिया में 5G लॉन्च हुआ है पिछले, अब 6G लॉन्च हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये हम यही कहेंगे कि उनकी हुक्मरान बैठे हैं जो इस टाइम, वो उनको भाई फ्री नेट दे रहे हैं, पहले उनका फ्री नेट है उनको पहले, या वो उन्होंने पहले 5G लॉन्च किया अपना। ये पाकिस्तान में अभी तक 4G भी नहीं सही चल रहा, इन्होंने 5G वो तरक्की बहुत कर रहा है दिन ब दिन इंडिया। उनकी करेंसी 5वें नंबर पर आ गई है, हमसे आगे जा रहे हैं वो। उनके उधर स्कूल पढ़ाई उनकी बहुत अच्छी हो गई है, तरक्की बहुत कर रहे हैं वो। अच्छा ये क्यों नहीं हमारी है जो हुकूमत कर पा रही है, आप कुछ बताएंगे? आपको चले, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ते हैं, आपको पता होगा। ये हुकूमत हमारी अभी अपने इधर सैलाब भी आया हुआ है हमारे इधर मुल्क में, पाकिस्तान में वो हालात बड़े ज़्यादा ख़राब हुए हैं, तो अभी हुकूमत हमारी क्या कर सकती है? वो अपने अपने अभी लड़ाई कर रहे हैं आपस में, खुद ही लड़ रहे हैं हुकूमत भी बैठने के लिए। अच्छा जब वो हुकूमत आएगी तो फिर हमारे हो सकता है कि अगर उनको कहें तो नेट शायद अच्छा हो जाए। हाँ ठीक है। आपको पता है इस टाइम जो करंट पोजीशन है, इस टाइम जो क्या नाम है उसका, ये 6G जो लॉन्च हो रहा है, और इसके अलावा इन्होंने एक और जो है, इन्होंने इंडिया ने ये अपनी जो आवाम के लिए एक और रिलीफ दिया, उन्होंने नेट आगे फ्री कर दिया हुआ है, इंडिया आने वाले वक्तों में फ्री कर दिया हुआ है। अब मुझे बताएं कि किस तरह ये इंडिया और ग्रोथ पे ग्रोथ करता जा रहा है, हमारी क्यों नहीं है जो ये हुकूमत, ये हुक्मरान क्यों नहीं कर रहे, ये इसमें आपको लास्ट सवाल मुझे बताइएगा जवाब उसका। ये जी आप देख रहे हैं जैसे इंडिया 5G अब पहले उन्होंने निकाला, अब 6G निकाल रहे हैं, वो अपनी उधर के लोगों को फ्री दे रहे हैं, यानी कि उधर से वो ये वो, तो उनकी हुकूमत ने उनको दिया हुआ 4G और 5G भी फ्री दिया है, अब 6G का हमें पता नहीं है, अभी वो भी उनको फ्री देना है उन्होंने। कौन से पैसे लेने हैं हमारा, इधर 5G आएगा उसके पैसे और ज़्यादा हो जाएंगे, एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ जी वो क्योंकि उन्होंने बाहर से लेना है, ये इस तरह ये कार कुर के 4G का भी आपको पता है TPL वगैरह जो है ये वो जो चलते हैं। अच्छा मुझे बताया आपको कोई मैसेज देना चाहे हमारी पाकिस्तान आवाम को या इंडिया आवाम को, मैसेज देना चाहे कोई भी, आप दे मोटिवेट मैसेज दे आप पाकिस्तानी आवाम को। हम यही कहेंगे जी पढ़ें, तरक्की करें, आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो तरक्की करे, आगे बढ़े, तो फिर ही हम शायद कल को हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें बच्चे। चले ठीक है, ओके, अल्लाह। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी, एक हमारे छोटे से नन्हे से भाई अपनी पजारों पे आए हैं, इनकी पजारों का भी पूछेंगे और इनसे भी पूछेंगे जो ये चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो आप? वालेकुम सलाम अंकल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अंकल हूँ मैं, मेरी शक्ल से मैं अंकल लगता हूँ। अच्छा तो उन्हें अंकल के बोला है भाई। अच्छा भाई, अच्छा मुझे बताओ आप पढ़ते हो? हाँ पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं 4th क्लास में। 4th क्लास में। अच्छा आप नेट यूज़ करते हो? हाँ मैं करता हूँ नेट यूज़। क्या आप चलाते हो ज़्यादातर? मैं यूट्यूब चलाता हूँ, टिकटॉक, फ्री फायर खेलता हूँ ज़्यादा। ज़्यादा फ्री फायर खेलते हो? अच्छा कभी गेम चलाते हुए आपका नेट बंद हो गया हो? तो बहुत गुस्सा होता है, फ्री फायर में बंदा हार जाता है और पिस्तौलें गोलियाँ लग जाती हैं, मगर फिर भी नेट जब चलता है तो फिर भी खेल लेते हैं। अच्छा कौन सा नेट चलता है जो बंद हो जाता है तो आपको गुस्सा आता है? ये टेलीनोर का। टेलीनोर का, अच्छा। खुद पैकेज लगाते हो? हाँ। तो घर वाले लगाते हो, खुद ही लगवाते हो? मैं खुद लगाता हूँ पॉकेट मनी से। अब मुझे बताओ आपसे छोटा सवाल पूछूंगा, आप तो इससे वहाँ पे इंडिया, आपको पता है हमारा हमसाया मुल्क,
वहाँ पे एक 6G लॉन्च हो रहा है, वहाँ 5G जिस तरह यहाँ 4G है ना, वहाँ पे 6G भी है, वहाँ पे लॉन्च हो रहा है। अब उसके बारे में आप बताओ कुछ, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो 6G का क्या उनका फ़ायदा होगा, उनको स्पीड कितनी आएगी, 4G से अच्छा होगा नहीं, आप बताओगे? नहीं मुझे ये नहीं सवाल का पता। ये नहीं पता आपको, क्यों? ऐसे ही, मगर वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी 6G। हाँ स्पीड ज़्यादा होगी। हाँ तो आगे नहीं पता मैं। चलो ठीक, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह आसमान। आपका नाम? अबू बकर। अच्छा अबू बकर भाई, आप नेट यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल, आज के दौर में इंटरनेट तो हर बंदा इस्तेमाल करता है। कौन सा यूज़ करते हैं आप? अभी जोन का 4G, कुछ भी बेहतर है बाकी नेटवर्क के मुताबिक। अच्छा 3G। अच्छा कभी कभार गेम या कोई चीज़ चलते एकदम नेट बंद होता है? बेसिकली हो तो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का ये मसला तो चलता ही रहता है। अच्छा आपको पता है एक कल 6G मुतारिफ़ करवा रहे हैं, वो लॉन्च कर रहे हैं इंडिया के अंदर, इसके बारे में आपको 6G वहाँ पे लॉन्च है, वहाँ पे जो लॉन्च है यहाँ पे पाकिस्तान पे क्यों नहीं लॉन्च हो सकता? पाकिस्तान अगर देखा जाए तो इंडिया थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में, उनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा है पाकिस्तान के लिहाज से, बेहतर है उनकी टेक्नोलॉजी। अभी पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे, लेकिन सुने हैं DHA वाली साइड कई इलाकों में 6G लॉन्च हुआ है। अच्छा मुझे बताओ 5G यहाँ पे प्रॉपर लॉन्च नहीं हुआ है, 6G कैसे? सॉरी 5G हुआ है। नहीं वहाँ 6G चल रहा है, 6G लॉन्च हो रहा है। अच्छा 5G तो उनका हो गया, अब वो 6G उनका लॉन्च करने लगे हैं। हाँ तो जाहिर सी बात है इंडिया में IT का काम ज़्यादा है, उधर ये पाकिस्तान की नस्बत ये चीज़ ज़्यादा है। अच्छा मुझे बताए यहाँ पर हमारी जो फ्री लॉन्चिंग्स उधर ज़्यादा कि इधर ज़्यादा? वो भी उधर ही ज़्यादा है, वहाँ पे लोग काम करने वाले ज़्यादा हैं, यहाँ पे भी लोगों का बेसिकली, यहाँ पे लोग क्या है अगर किसी एक बंदे को आता है ना वो दूसरे को सिखाता नहीं है फ्री लॉन्सिंग का। मैंने ये चीज़ बड़ी देखी है, कोई ये नहीं चाहेगा कि यार इसको मैं सिखाऊँ ये भी फ़ायदा उठाए, यहाँ पे लोगों के दिल में इस तरह के ख्याल हैं। अच्छा मुझे बताएं कि ये 6G लॉन्च हो रहा है, इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया में क्या इतना फ़ायदा ज़्यादा होगा उनको आगे जो 6G लॉन्च होगा? अभी मैंने आपको बताया ना कि उनके पास जो है ना टेक्नोलॉजी ज़्यादा है तो वो लोग कर रहे हैं, उनके इसके अलावा वो करेंसी में भी पाकिस्तान से आगे है, 5वें नंबर पर जा रहे हैं। हाँ जी पाकिस्तान 48 नंबर पर है बस इसी तरह ना। अच्छा हमारी कोई आवाम को मैसेज देना चाहिए? आवाम के लिए बस यही मैसेज है कि खुश रहें। अच्छा तो वो एक दफ़ा ना वो बता रहे हैं हमारी वाम को हुक्मरानों के 5G लॉन्च कर दिया, अभी ये बता दिया हुक्मरानों को 5G के सोचने के अलावा अभी वाम के और बड़े मसाइल हैं, इनके बारे सोचें। हाँ चलो ठीक है, मैसेज आप दे, मैसेज तो देने एक मैसेज बस यही है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरान को हदायत दे, सबसे पहले हमारे मुल्की हालात ठीक हों तो इंशाल्लाह फिर बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा।